तो दोस्तों ये मेरे हाथ में जो दिख रहा है आपको, ये EST थ्री का 3 SSDC 3, इसका मॉडल नंबर है, एक काइड नंबर भी इसे बोलते हैं। इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है B-B+ शील्ड, A+ A-, B+ B-। सबसे पहले इसमें से ये इस्तेमाल करिए, जब कभी आपका लूप केबल ए से निकलता है और रिटर्न आएगा, यानी क्लास ए वायरिंग होगा, तो जब ए से निकलेगा आपको तो बी में आके कनेक्ट हो जाएगा। तो इंटरव्यूअर इस टॉपिक पे आपसे सवाल क्या करता है कि जो डबल बी है ये किस लिए है, और ये जेन्युइन सवाल है, ये सवाल बनता है, और इसको समझने के लिए कई कई साल आदमी काम करने के बाद भी ये सवाल का जवाब नहीं मालूम होता। मुझे खुद को भी काफ़ी मैंने इस पर मतलब सोचा है, तब मुझे समझ आया कि डबल बी है क्यों इसके। आप देखिए ना, ए एक दिया है, सिंगल ए एक दिया है, बी डबल दिया है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो इसका रिजल्ट खुद से निकाला, मैंने किसी से पूछा नहीं और कहीं पढ़ा नहीं, और मैंने एकदम, क्योंकि मेरा काफ़ी दिन से यही काम है और कई सारे सिस्टम में मैंने काम किया है, तो भाई अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आंसर जरूर निकाल लेंगे। तो मुझे कई सारे फार्मूलाज पता हैं। होता क्या है कि जब आप इस पैनल को कहीं पर भी क्लास ए जब यूज करेंगे, जोन वायरिंग या क्लास एक्स वायरिंग जिसे बोलते हैं, क्रॉस जोनिंग, ठीक है, उस वायरिंग के लिए हमें दो जोन की जरूरत पड़ती है। जैसे FM 200 में क्रॉस जोनिंग होता है, आप लोग काम किए होंगे, जो जो उसको पता होगा कि FM 200 में क्रॉस जोनिंग में दो जोन चाहिए, तो इसमें बी है। जब भी कभी आपका जोन वायरिंग करेंगे आप, तो दोनों बी से लेके जाएंगे, ए को छोड़ देंगे, पर आप जब लूप वायरिंग करेंगे तो ए से आपका आउट निकलेगा और इन बी में आके कनेक्ट हो जाएगा। तो ये है इसका आंसर, और ये आंसर को समझने के लिए भी आपको वीडियो को कई बार पॉज करके बैक करके देखना पड़ेगा। इस चीज़ को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब आप फायर अलार्म में काम कर रहे हैं, केवल डिवाइस इंस्टॉल कर रहे हैं, ब्रेक ग्लास लगा रहे हैं, तो इससे आपको सिस्टम समझ नहीं आने वाला। उसके लिए आपको प्रॉपरली कई सारे सिस्टम में काम करना पड़ेगा, तब जब वो खुद से रिजल्ट निकालना आएगा। तीसरी बात मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, इसका जो हमारा कार्ड है, ये कार्ड है हमारा, इसके बैक में जैक में यही फिटिंग होता है, ये जैक है मेरा, और इस जैक में ये फिटिंग हो जाता है प्रॉपरली अच्छे से। तो जैक की जब फिटिंग हो जाती है, बस ये प्रॉपर हो जाता है, फिर ये कनेक्ट हो जाता है। और ये जो रेल हमारा, रेल फंक्शनिंग का मैंने ऑलरेडी इसकी फंक्शन का एक एक का, जो ये एक एक आपको फीमेल टॉप मतलब ये पिन दिख रहे हैं, और ये बॉटम, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो ऑलरेडी बना दी है और अपलोड कर दिया है इनके एक एक फंक्शन के लिए। इसके फंक्शनिंग का वीडियो अभी बाकी है, मैं बहुत जल्द, हो सकता है मैं लाऊंगा इसके अकॉर्डिंग भी जल्दी ही वीडियो। फिर ये जो फंक्शनिंग वीडियो आएंगी, पर लेट लगेगी, क्योंकि वीडियो बनाने का भी टाइम बहुत कम रहता है हमारे पास। तो सेम नीचे भी आपको मिलेगा, मैं आपको कोशिश करता हूँ भरपूर दिखाने की। तो आई होप आपको काफ़ी सारा इसमें से समझ आएगा इस वीडियो में। नहीं समझ आया तो मैं इसका आपको इसमें लगा देता हूँ, तो आपको ये चीज़ समझ आया होगा कि क्लास बी दो क्यों रहता है जोन वन में, लूप वन में, लूप वन के एरिया में क्लास बी दो क्यों रहता है और क्लास ए क्यों रहता है। जब कभी आप क्लास ए वायरिंग यूज करेंगे तो आप एक ही यहाँ से लूप लेके जा सकते हैं, लेकिन जब कभी आप इसमें क्लास बी वायरिंग यूज करेंगे या क्लास एक्स वायरिंग यूज करेंगे या क्रॉस जोनिंग वायरिंग यूज करेंगे, क्लास एक्स वायरिंग और क्रॉस जोनिंग ये सेम है, ये भी नहीं कंफ्यूज होना कि क्लास एक्स क्या होता है, क्रॉस जोनिंग क्या होता है, दोनों एक ही है। उसे सी टाइप वायरिंग भी कोई बोलता है, क्लास सी वायरिंग भी बोलता है, पर क्लास एक्स में वो समझ आता है कि हाँ ये क्रॉस जोनिंग में है, यहाँ से आपको सीधा सिंबल मिल जाता है एक हिसाब से। तो बी दो क्यों है,
क्रॉस जॉइनिंग में यूज कर सकते हैं या इसे जोन वायरिंग में यूज कर सकते हैं, इसलिए इसमें क्लास भी है। और लूप इसमें कब यूज कैसे यूज कर सकते हैं, ए से लेके जाएंगे आउट ए से करेंगे तो इन बी में कर देंगे और एक आपका ओपन खाली रहेगा और वो तुम्हारा होगा, उसे हम फील्ड में बोलेंगे डाटा इन डाटा आउट। जब किसी मॉड्यूल में जाएगा डाटा इन डाटा आउट केबल वो यहीं से जाता है, जो डाटा इन डाटा आउट का केबल है वो आपका यहीं से जाएगा, ठीक है, इधर से लूप निकलेगा और सीधा जाएगा। तो आई होप मुझे ये लगता है कि आपको मैंने इस कार्ड के बारे में कैड 3 SSDC 3 के बारे में मैंने पूरी डिटेल वीडियो आपको, मुझे लगता है कई सारे मैंने और भी दिखाया है, बनाए हैं, अनबॉक्सिंग भी किया है, पर ये वीडियो मैंने एक कार्ड के लिए स्पेशल बना दिया ताकि, क्योंकि इंटरव्यू में कार्ड नंबर भी पूछा जाता है, कैड नंबर भी पूछा जाता है और इसके बारे में सवाल होता ही होता है लाजिम। तो ये आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए लोगों के साथ में ताकि उन्हें भी पता चले, और इससे बेस्ट में क्वालिटी में और अच्छी वीडियो लाऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा, फिर आऊंगा।